हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग साइंस का शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में सेट नंबर 17 को कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग सेट नंबर 18 को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है सो आपको हम इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो करवाने वाले हैं। आज भी आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के हम जो है सो आ चुके हैं। तो वीडियो में पूरा आप लोग जो है सो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सो बेनिफिट मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन इसका मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो देख सकते हैं, ये दिया गया है, विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक पूछा है कि क्या होता है। तो क्या होता है एसआई मात्रक विद्युत धारा के प्रबलता का? ये होता है एम्पियर। तो आपको एम्पियर इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आपको एम्पियर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। कई बार आपको जैसे ऑप्शन भी मिलता है तो आपको ऑप्शन से तो देख सकते हैं आसानी से, ऑप्शन नहीं भी मिलता है तो भी आप अगर एम्पियर को याद रखते हैं तो आसानी से जो है सो इजिली आप जो है उसका आंसर लिख पाएंगे। इसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं 132 नंबर प्रश्न को, जो कि दिया गया है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो धारा मापने के यंत्र को हम लोग बोलते हैं आमीटर। तो आमीटर का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, धारा मापने का क्या है ये यंत्र है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि धारा मापने के यंत्र का नाम बताएं तो क्या हो जाएगा, आमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे दिया गया है 133 नंबर जो प्रश्न है, ये दिया गया है, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा, इसको हम लोग जो है सो बोलेंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 134, जो कि दिया गया है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। पूछा है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल जो है सो ये होता है। 1 किलोवाट यानी कि किलोवाट को हम लोग लिखते हैं KWh, इसके बराबर जो है सो कितना होता है, 3.6 × 10⁶ और जूल, ठीक है। 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो कि है 135 नंबर प्रश्न, जो कि दिया गया है, 1 जूल में कितने कैलोरी होता है। पूछा है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होता है, तो कितना कैलोरी होता है, ये होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर का बराबर जो है सो कितना होता है, ठीक है। 1 HP में कितना वाट होता है, ये होता है 746 वाट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ओम का नियम का जो प्रतिपादन है ये किसने किया, ये नियम को किसने दिया, वही बात है, ठीक है। इसको दिया है जॉर्ज साइमन ने, तो जॉर्ज साइमन का नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138, जो कि दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण बताइए, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ चालक का उदाहरण आपको बताना है तो हो जाएगा इसका आंसर चांदी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 नंबर को, जो कि दिया गया है, विद्युत विभव की कौन सी राशि है। विद्युत विभव की कौन सी राशि है, तो कौन सी राशि हो जाएगा, ये हो जाएगा अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत विभव की कौन सी राशि है, यहाँ पे अदिश राशि हो जाएगा, इसका आंसर आपको याद रखना है। इसके बाद 140 नंबर जो प्रश्न है, जो कि दिया गया है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा। पूछा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होगा वो कितना होगा, तो ये मान जो है बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो बताना है कि बहुत ज़्यादा अधिक इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 140 तक जो है सो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जो है सो हमें कमेंट कीजिए और हमें जो है सो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए आपको जो मेरा नंबर है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा PDF का लिंक भी आपको जो है सो यहीं पे नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है सो अवश्य बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर से हम लोग मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।
जय झारखंड।